in my previous lecture, we have discussed some basic points of chapter 6, lines and ends. And we have also done the theorem, if two lines intersect each other, then vertical opposite angles are equal. We have also done question number 1 of exercise 6.1. Today we will do question number 2 of exercise 6.1. Question number 2. The figure is given to you. Lines x, y and mn intersect at O. Given x, y and mn intersect at O. Angle P over P over y कौन सा हमारा P over y 1. Angle 1 is equal to 90. और ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3. तो फाइंड क्या करना है हमको, एंगल सी. तो देखो बेटा, कल हमने जब डिस्कस किया था, हमने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स किए थे, हमने लीनियर पेयर किया था, स्ट्रेट लाइन एंगल किया था. तो ये क्वेश्चन उसी ट्रैक करते होने हैं. कोई भी एक रूल लग जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल का रूल लग जाएगा या फिर लीनियर पेयर का या फिर आपका वर्टिकल. सबसे पहले हमें ए रेशो बी कैलकुलेट 2:3 दी. तो लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3. ये ए और बी को मैंने लेट कर लिया. अगर मैं ये पूरा देखो, अगेन मेरा स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, बन रहा है या नहीं स्ट्रेट लाइन एंगल. तो ए प्लस बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल. ए हमारा 2x प्लस बी 3y प्लस एंगल 190 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 5y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x सॉरी x. x is equal to 90 by 5, x is equal to 18. अब a आ जाएगा हमारा, a क्या है हमारा 2x, 2 multiply 18 is equal to 36, b is equal to 3x, 3 multiply 18 is equal to 54. अब लेकिन हमको find क्या करना है, c. अब b और c का अगर हम relation देखते हैं, तो ये हमारा linear pair बन रहा है. तो b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. ठीक है, b और c हमारा क्या बना, लीनियर पेयर बना. a b और 90 क्या बना था हमारा, स्ट्रेट लाइन एंगल है. दोनों 180 के ही, बट नेम चेंज. b अब हमने कितना निकाला है, 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री. c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54. c इज इक्वल टू 126 डिग्री एंड दिस इज द आंसर. ठीक है, तो अब हमें क्या दिया होता, जो हमारी लाइंस x, y और mn थी, वो e पर o पर इंटरसेक्ट कर रही है. एंगल p o y जिसको हमने एंगल 1 नेम दे दिया था, यहाँ एंगल 1, एंगल 1 हमारा 90 डिग्री है. और a रेशो b हमें क्या दिया हुआ है, 2:3. और हमें फाइंड करना है एंगल c. तो हमने जो रेशो में जो चीज़ गिवन होती है उसको लेट कर लेते हैं. हमने ए को लेट कर लिया 2x और बी को लेट कर लिया 3y. फिर हमने देखा ए बी और 90 में क्या रिलेशन नज़र आ रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन एंगल. तो हमने स्ट्रेट लाइन एंगल से x की वैल्यू फाइंड आउट की और x की वैल्यू को पुट करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि a हमारा क्या है 2x.
और b हमारा क्या है 3x, तो दोनों में हमने x की वैल्यू पुट की तो a हमारा 36 डिग्री आ गया और b हमारा 54 डिग्री आ गया। बट वी हैव टू फाइंड एंगल c, दैट इज वाई वी हैव सीन कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ b एंड c। तो b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर, तो c आप लोगों का क्या आ गया 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, पहले किधर बना लेते हैं हम लोग, गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर पी, अब एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल वन, पी आर क्यू एंगल टू, हमें क्या दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फाइंड करना है पी क्यू एस एंगल 3, पी आर पी एंगल 4। हमें फाइंड करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बहुत सिंपल सम है बेटा, ये सम भी आपका कितने हो जाएगा लीनियर देखते हैं। अब देखो मैं प्रूफ करती हूं, इसमें प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी बताइए, 1 और 3 और 2 और 4 180 के इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये क्या है हमारे लीनियर, क्या है हमारे लीनियर। यहाँ से ये हमारी 1 इक्वेशन बनी थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 और 2 इक्वेशन से क्या हुआ, जैसे हमने जब थ्योरम की थी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जब दो चीज़ें 180 के इक्वल हो गई थी कि उनकी राइट साइड इक्वल हो गई थी, तो हमने क्या कहा था लेफ्ट साइड भी क्या है आपस में इक्वल। तो एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस 4। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन। तो 1 की जगह पे मैं क्या लगा लूंगी, 2 लगा लूंगी। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 से 2 कट हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और 3 का नेम क्या है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमको प्रूफ करना ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा किससे हो गया लीनियर पेयर से, किससे हो गया है लीनियर पेयर से। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी फिगर मैंने बना दी है, ये हमारे पास है ए बी सी डी, हमें गिवन है बेटा इन फिगर 6.16 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सेट। तो गिवन हमारे पास हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सेट। टू प्रूव, टू प्रूव हमें क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। देखो बेटा अगर हमें ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है तो हमें एंगल 180 का करना पड़ेगा, फिर हम कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन एंगल है और इसका सम 180 है, तो ये एक लाइन है ठीक है। तो हमें मतलब कि जब भी हमें किसी चीज़ को लाइन प्रूफ करना हो तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि उसके ऊपर जो एंगल बना हुआ है वो कितने डिग्रीज का है, 180 डिग्री का है। गॉट इट, कि हमें किसी भी लाइन को, किसी भी फिगर को लाइन प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना पड़ता है कि उस फिगर के ऊपर जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 180 डिग्री, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंगल। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में मैंने क्या कहा, अब अगर मैं इस पूरे एंगल को लेती हूँ तो ये मेरा क्या बनता है, कंप्लीट
कंप्लीट एंगल बनता है, क्या बनता है मेरा कंप्लीट एंगल। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये मेरा कंप्लीट एंगल बनता है। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। इसका रीजन क्या आया? कंप्लीट एंगल। फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये मेरा गिवन है। तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई यहाँ पे क्या पुट कर लेती हूँ? डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो डब्ल्यू डब्ल्यू टू डब्ल्यू प्लस जेड जेड टू जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। टू कॉमन निकाल लीजिए, W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 by 2। तो W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब W प्लस जेड क्या आ गया आपका? 180 डिग्री। तो W प्लस जेड लाइज ऑन AB एंड इट इज स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया, इसमें हमें गिवन किया था x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। अब हमें इसमें प्रूफ का क्या करना है कि AOB एक लाइन है, AOB इज अ लाइन। अगर हमें किसी भी फिगर को लाइन प्रूफ करना है तो हमें क्या शो करना होगा कि उसके ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है? स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम प्रूफ में क्या शुरू हुए, हमने देखा कि जो लाइन इंटरसेक्ट करके एंगल्स बना रही हैं हमारे प्लस कंप्लीट एंगल बन रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। फिर हमारे पास गिवन क्या था कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के इक्वल है। तो x प्लस वाई को हमने हटा दिया और उसकी जगह पे क्या लगा लिया? w प्लस जेड। हम w प्लस जेड को हटाकर उसकी जगह पर x प्लस वाई भी लगा सकते थे। तो मेरे पास ये 2w प्लस 2z आ गया और यहाँ से w प्लस जेड मेरे पास क्या आ गया? 180। और w प्लस जेड किस पर लाई कर रहा है? AOB पर लाई कर रहा है। और कौन सा एंगल बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। दैट इज वाई AOB इज अ स्ट्रेट लाइन और AOB इज अ लाइन। नंबर 5, ये आपकी फिगर है POQ इज अ लाइन। POQ इज अ लाइन एंड OR परपेंडिकुलर PQ। OR परपेंडिकुलर क्या है आपका? PQ है। और OS एक अनदर लाइन है जो किसके बीच में लाई कर रही है? OP एंड OR के बीच में लाई कर रही है। आपको प्रूफ क्या करना है? एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो मैंने एंगल्स को 1, 2, 3 नेम दे दिए। तो ROS का नेम क्या बना? एंगल 2 इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS। QOS का नेम क्या बनता है? एंगल 2+3। और एंगल POS का नेम क्या बनता है? एंगल 1। ठीक है, तो अब हम करते हैं, पहले मैं अब आपका ओवर परपेंडिकुलर PQ। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 भी आपका 90 है, इधर से 1+2 भी क्या है? 90। तो 1+2 का नेम हमारा बन गया एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा इसका सिंपल सा पार्ट किया। अब मैं यहाँ से QOS लेती हूँ। किसको लेती हूँ? जो मुझे टू प्रूफ है उसमें से मैंने किसको लिया? QOS। मैंने लिखा एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। देखो जो आपका QOS बन रहा है ये बन रहा है पूरा QOS, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो एंगल QOS इज इक्वल टू 3 कितने डिग्री का है? 90 डिग्री प्लस एंगल 2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद मैं लेती हूँ एंगल POS।
पी ओ एस कैसे बन रहा है, पी ओ आर में से अगर मैं एंगल टू माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ एस आ जाएगा। पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल टू, तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल टू। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ तक मेरा मैंने क्या किया है, क्यू ओ एस की वैल्यू निकाली है और पी ओ एस की वैल्यू निकाली, दोनों की मैंने वैल्यू निकाली और उनको इक्वेशंस का नेम दिया। अब मैं क्या करती हूँ, अब क्यू ओ एस और पी ओ एस के बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखो अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा और राइट वाला राइट में से सब्ट्रैक्ट होगा। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल टू माइनस 90 माइनस एंगल टू, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल टू माइनस 90 प्लस एंगल टू। 90 कट हो गया आपका, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 2 एंगल टू, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू, और एंगल 2 का नेम क्या था, एंगल 2 का नेम हमारा क्या है, एंगल आर ओ एस। एंगल 2 को लाके हमने क्या लगा लिया, आर ओ एस। अब आर ओ एस हमें 2 में अकेला चाहिए, तो 2 को ये 2 है इसके साथ 2 को इधर ले आते हैं, पहले इसको मैं लिखती हूं 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 2 को हम कहाँ ले जाते हैं, राइट साइड ले जाएंगे, तो 2 क्या बन जाएगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमें यही प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 90 डिग्री प्रूफ की और 1+2 की वैल्यू 90 डिग्री प्रूफ की, फिर हमने सिर्फ एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू क्या निकाली, 90 प्लस एंगल 2, पी ओ एस की वैल्यू क्या निकाली, 90 माइनस एंगल 2, फिर इनके बीच में कितना साइन था, माइनस का साइन था, इसलिए हमने इक्वेशंस को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमारा जो हमें डिजायर्ड आंसर था, जो हमें प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, इट इज गिवन एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। अब इसकी फिगर आपको गिवन नहीं है, आपको इसकी फिगर बनानी है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो ये मैंने एक्स वाई और ये जेड, ये मेरा एंगल बन गया 64 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी, एक्स वाई को हमने कहाँ तक प्रोड्यूस किया है, पी तक, एक्स वाई को हमने पॉइंट वी तक प्रोड्यूस किया। अब इसमें कंफ्यूजन ये जाती है कि एक्स वाई को ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करें या नीचे की तरफ, अब लास्ट में कौन सा पॉइंट है, वाई है, तो वाई की तरफ से ही प्रोड्यूस, कहाँ से प्रोड्यूस हो गया, वाई की तरफ। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंटरवल, इतना काम हमारा हो गया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, वाई क्यू रे जो है इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखो बेटा जब बाइसेक्ट वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, बाइसेक्ट वर्ड आता है, तो जो चीज बाइसेक्ट होती है उसके टू इक्वल पार्ट होते हैं, ठीक है, जो चीज इंटरसेक्ट पे इक्वल पार्ट नहीं होते, कितने इक्वल पार्ट होते हैं, बाइसेक्ट में। अब क्या बाइसेक्ट हुआ है, जेड वाई पी,
तो ये एंगल वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल टू. रे बाय टू बाइसेक्ट एंगल जेड बाय बी. सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. फाइंड एंगल एक्स वाई क्यों, एक्स वाई क्यों, हमें एक्स वाई क्यों इसमें फाइंड आउट करना है. और दूसरा एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी. देखो हमको एक्स वाई क्यू यानी कि 64 डिग्री प्लस एंगल टू फाइंड करना है और एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी एंगल वाई. अब देखो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा किससे होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल से होगा. हम करेंगे सॉल्यूशन. एंगल वन प्लस टू प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल. अब एंगल वन और एंगल टू इक्वल है तो एंगल वन प्लस एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री. यहाँ ब्रैकेट लेते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. टू एंगल वन इज इक्वल टू 116. एंगल वन इज इक्वल टू 116 बाय 58 डिग्री. तो एंगल वन आ गया हमारे पास 58 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल वन डिग्री माइनस 58 डिग्री 302 डिग्री. तो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री. अब हमारा क्या रहेगा एंगल एक्स वाई क्यू. अब एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू 58 डिग्री. वन और टू इक्वल है, वन अगर 58 डिग्री का है तो टू भी कितने डिग्री का आएगा, 58. और एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस एंगल टू. एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58 डिग्री. एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 12 वन कैरी 122 डिग्री. एंड दिस इज द आंसर. देखो हमने इस क्वेश्चन में पहले फिगर बनाई है, फिगर हमने स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के बनाई. हमें क्या दिया होता है, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया हुआ था. सबसे पहले हमने एंगल एक्स वाई जेड लिया, उसके बाद वो एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रहा है तो इसलिए वाई की तरफ से इसको प्रोड्यूस कर रही है. उसके बाद वाई क्यू जो थी एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है. हमें बाइसेक्ट वर्ड से हमेशा क्या याद रखना है कि कोई भी चीज़ अगर किसी कोई भी रे अगर बाइसेक्ट करती है तो उस जिसको वो बाइसेक्ट करेगी उस पर टू इक्वल पार्ट हो जाएंगे. यहाँ पर उसने एंगल को बाइसेक्ट किया तो एंगल्स इक्वल हो गया हो गई. लाइन को बाइसेक्ट करती तो लाइन के टू इक्वल पार्ट्स हो गए. तो अब हमने इसको स्ट्रेट लाइन एंगल से करना शुरू किया. 64 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 1 और 2 इक्वल है तो 2 की जगह हमने 1 को पुट कर दिया और यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करी. और एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो जो 1 की वैल्यू थी वही हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एंगल 2 की भी वैल्यू आ गई. और फिर अकॉर्डिंगली हमने एंगल्स रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कैसे फाइंड आउट किया, 360 में से एंगल 1 को माइनस कर दिया. और क्यू वाई एक्स वाई क्यू कैसे फाइंड आउट किया, 64 प्लस एंगल 2 तो 64 प्लस 50. ये स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है. तो इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप वीडियो को पॉज कीजिए और कंसेप्ट को समझिए कि आपको क्या बताया गया, और बार बार इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.